बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हम सभी जानते हैं कि लिविंग बीइंग में जो फूड है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट है उनकी कंटिन्यूअस डिफरेंट पार्ट को जरूरत होती है, एंड दे आर नीडेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सो दे नीड कंटिन्यूसली टू बी ट्रांसपोर्टेड, इनकी जरूरत पड़ती है डिफरेंट ऑर्गन में ले जाने की, और ले जाने के लिए ऑर्गन्स में, सब ऑर्गन में कोई ना कोई मीडियम है ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये मीडियम हमारे लिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। हर सेल तक हर न्यूट्रिएंट, हर हार्मोन, हर एंजाइम, हर केमिकल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी का दूसरा नाम है, आप सभी भली भांति जानते हैं। हमें कोई बीमारी होती है तो या तो हम गोली खाते हैं या हम इंजेक्शन लेते हैं। गोली खाते हैं मुंह से पानी के साथ, और वो पानी के साथ लेके वो फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, जिस ऑर्गन में भी प्रॉब्लम होती है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसी ऑर्गन में चला जाता है। इसी तरह इंजेक्शन जो होता है, हर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई मीडियम होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें वाटर ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, अगर हम बात करें स्पंज और फिलेंट्रेट, स्पंज और फिलेंट्रेट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उनमें वाटर मेन मीडियम है ट्रांसपोर्ट के लिए, पानी में रहते हैं और पानी उनके अंदर आता रहता है, पानी ट्रांसपोर्ट करता है हर चीज को, इस तरह से इनमें कोई विशेष वो नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है, बॉडी फ्लूइड जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन सभी हायर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें उनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है, और ब्लड के साथ साथ एक दूसरी चीज भी होती है लिम्फ। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं का डिटेल में जिक्र करेंगे। सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सर्कुलेटरी मीडियम है वो है ब्लड। पहले हम ब्लड की बात करें, ब्लड हमारा ऐसा मीडियम है जिसमें सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जिक्र किया था कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट इसमें सस्पेंडेड जिनको फॉर्म एलिमेंट कहते हैं वो ब्लड कार्पस्कल्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट भी कह देते हैं इनको, और ये ब्लड कार्पस्कल्स हैं जो तीन तरह की होती हैं। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% ये ब्लड कार्पस्कल्स होती है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के दो मेन पार्ट हैं, लिक्विड पार्ट को ब्लड को प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं ब्लड कार्पस्कल्स। अब हम बात करेंगे ब्लड कार्पस्कल्स में भी, ये डब्ल्यूबीसी भी दो तरह की होती हैं, एक डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है, और दूसरे जिनमें ग्रेन्यूल नहीं है, जिनमें ग्रेन्यूल है उनको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है, जो कि तीन तरह की होती है ग्रेन्युलोसाइट, एसिडोफिल जिनको इओसिनोफिल भी कहते हैं, इनको इओसिनोफिल भी कहते हैं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल।
और एग्रेनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते, ये भी दो तरह की होती हैं, एक मोनोसाइट और दूसरी है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, लेकिन इनका जिक्र बाद में आएगा। ये हमारे ब्लड की सिंपल कंपोजिशन है, हमारे ब्लड के ये दो पार्ट हैं, पहला लिक्विड पार्ट है जो 55% होता है, दूसरा जिसमें फोर एलिमेंट्स हैं जो 45% होता है। इस तरह ब्लड के दो पार्ट हैं, एक लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा ब्लड का जिसमें फोर एलिमेंट्स जो मेरी ब्लड का पहला पार्ट आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट हैज अप्रोक्सीमेटली 92% ऑफ वाटर। लाइट पेल इन कलर, 7% के लगभग इसमें प्रोटीन होती है और 1% इसमें बाकी अदर सब्सटेंस होते हैं। प्लाज्मा की वजह से ही ब्लड फ्लो करता है, हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो लिक्विड पार्ट की वजह से ही है, प्लाज्मा की वजह से ही है। इसमें प्रोटीन तीन तरह की होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी ग्लोबिन प्रोटीन जिसको हम ग्लोबुलिन भी कह देते हैं, और तीसरी प्रोटीन इसकी एल्ब्यूमिन होती है। इस तरह इसमें तीन प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो ब्लड का क्लोट बनाने में मदद करती है, फाइब्रिनोजन। वास्तव में ये प्रोटीन ब्लड का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन प्रोटीन की वजह से हमारे ब्लड की एक तरह से इसकी डेंसिटी या ब्लड की कंसंट्रेशन बनी रहती है। फाइब्रिनोजन ब्लड कोगुलेशन में जरूरी है, इनकी वजह से हमारा ब्लड क्लोट करता है, इसको हम कोगुलेटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। कोगुलेटिंग प्रोटीन, जब खून कहीं निकलता है, ब्लड निकलता है तो ब्लड जम जाता है, इसको कोगुलेटिंग प्रोटीन भी, फाइब्रिनोजन ही होती है जो फाइबर की तरह की कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी जैसा कि नाम है ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन वास्तव में एंटीबॉडी का काम करती है, ये हमें बीमारी से बचाती हैं, दे सेव अस फ्रॉम डिजीज, डिफेंस सिस्टम में काम आती हैं, इनका जिक्र प्लस टू में अब हमें डिजीज में पढ़ेंगे। और जो तीसरी प्रोटीन है वो एल्बुमिन प्रोटीन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं, ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, इसलिए ऑस्मोटिक बैलेंस। ये तीन मेन प्रोटीन हमारे ब्लड में होती हैं। इसके अलावा ब्लड में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन, और इसके अलावा कुछ कार्बोनेट, क्लोराइड और कुछ मात्रा में दूसरे आयन जिनमें बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये आयन भी पाए जाते हैं। जो फूड मटेरियल हमने लिया है उस फूड मटेरियल के पार्ट भी हमारे ब्लड में मिलेंगे, जैसे ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज लिया तो उसका थोड़ा सा अंश ग्लूकोज हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसी तरह से थोड़े बहुत अमीनो एसिड होंगे, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाए, थोड़ी बहुत मात्रा में अमोनिया भी हो सकती है जो कि हमारे उसमें बनती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। इस तरह से हमारे ब्लड में ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं, कुछ थोड़े बहुत एंजाइम और कुछ मात्रा में कुछ हार्मोन्स भी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम अमाउंट इन दी ब्लड। ये तो था हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ये सारा गुला हुआ होता है, क्योंकि प्लाज्मा में कुछ पार्ट इनका जरूर पाया जाएगा। ये तो था हमारा प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे फोर्म एलिमेंट्स की। ब्लड में जो फोर्म एलिमेंट है उसमें तीन तरह की ब्लड कार्पस्कल थी, फोर्म एलिमेंट में कार्पस्कल पाई जाती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कार्पस्कल्स दे आर प्रेजेंट इन दी ब्लड। हमारे ब्लड में तीन तरह की कार्पस्कल्स हैं, पहली आती है आर बी सी, जिनको हम रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं,
रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स सबसे ज्यादा है, दे आर फाउंड इन लार्जेस्ट अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में लार्जेस्ट अमाउंट में ये पाई जाती है। एक एवरेज आदमी में 5 से 5.5 मिलियन पर ml मान लो या पर क्यूबिक मिलीमीटर मान लो, ये एक क्यूबिक मिलीमीटर में ये इतनी पाई जाती है। इतनी आरबीसी हमारी बोन मैरो में बनती है, रेड बोन मैरो में आरबीसी बनती है और इनकी कमी से हमें पीलिया हो जाता है। इनकी वजह से ही हमारे ब्लड का रंग रेड होता है। इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम आयरन का कंपाउंड है और ग्लोबिन प्रोटीन है, इससे मिलके बनता है। इसमें आयरन होता है, आयरन की प्रेजेंस में ये हीम बनेगा। आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। आदमी में आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस होती है, विदाउट न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक सिंगल आरबीसी येलो कलर की होती है और जब कई आरबीसी के ऊपर एक रखें तो फिर उनका कलर हमें रेड दिखने लग जाता है। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि सिंगल आरबीसी, ये आरबीसी 120 दिन इसका लाइफ टाइम है, 120 डेज के बाद ये स्प्लीन में डेड हो जाते हैं। इसलिए स्प्लीन इनको ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। स्प्लीन में ये दोबारा से मर के फिर से बन जाते हैं, ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन है। स्प्लीन हमारी बॉडी का एक पार्ट है जिसमें एक्सेस ऑफ ब्लड भी स्टोर रहता है। इसके अलावा इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होता है, लेकिन मेल में इसकी अमाउंट 14.5 से 15 के आसपास होनी चाहिए। फीमेल में 13.5 से 14 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन अगर 12 से 16 में कुछ भी अमाउंट है तो हम उसको ठीक मानते हैं, क्योंकि हमारा भोजन इस तरह का नहीं है आजकल कि भाई पूरी अमाउंट में ये मिल जाए। इस तरह से ये हीमोग्लोबिन का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2 है। हमारे ब्लड में जो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इसके बाद आती है दूसरा WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। WBC में न्यूक्लियस होता है। WBC आर लेस इन नंबर, WBC संख्या में कम होती है। अगर हम WBC की टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या इनकी 6000 से लेके 8000 के बीच होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर। इन्फेक्शन में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जब हम बीमार होते हैं इन्फेक्शन के टाइम नंबर इंक्रीजेज। अगर हमारे शरीर में WBC बढ़ी हुई है, हम कहेंगे हमें कोई इन्फेक्शन है, हमें कोई बीमारी है, टेम्परेचर में बढ़ जाती है, वायरस इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये बढ़ जाती है। इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इनको WBC कहते हैं। दूसरा नाम इनका ल्यूकोसाइट भी है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, WBC ल्यूकोसाइट है। तो ल्यूकोसाइट की बात करें, इनका टाइम बड़ा कम है, ये कम टाइम तक जिंदा रहते हैं, जनरली 8-10 दिन ये जिंदा रहती हैं, कुछ 12-14 दिन भी रह जाती हैं। अलग अलग तरह की कैटेगरी है। पहले हम बात करें ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट जिनमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन होते हैं, ये WBC है तो इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह आपको ग्रेन मिलेंगे, साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर, इसलिए इनका नाम दिया है ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट तीन तरह की है, पहली है इयोसिनोफिल, इसको एसिडोफिल भी कहते थे, आज नाम एसिडोफिल नहीं दिया जाता, एसिडोफिल। दूसरी है बेसोफिल और तीसरी है न्यूट्रोफिल। ये तीन तरह की WBC है जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं, 60 से 65%
टोटल डब्ल्यूबीसी का होती है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाई जाती है, और ये जो न्यूट्रोफिल है ये फैगोसिटिक होती है। इसी तरह से जो दूसरी ये इओसिनोफिल है वो 2-3% है केवल, और ये हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती हैं। इसके अलावा जो तीसरी है बेसोफिल, बेसोफिल 0.5-1% तक होती हैं। तो ये टोटल डब्ल्यूबीसी का जो ये बेसोफिल होती हैं, ये बेसोफिल कुछ पदार्थ निकालते हैं जिनमें हिपेरिन जो एंटीकोगुलेटिंग सब्सटेंस है, सीरोटोनिन और हिस्टामिन, ये पदार्थ निकालती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली आती हैं एग्रैनुलोसाइट, वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते, इनका साइटोप्लाज्म सारा एक जैसा होता है, कहीं कोई ग्रेन्यूल नहीं होते, सारा साइटोप्लाज्म एक जैसा है विदाउट ग्रेन्यूल है, इसलिए इनको, इनमें न्यूक्लियस भी होता है, एग्रैनुलोसाइट में भी होता है, ग्रेन्यूलोसाइट में भी होता है, दोनों में न्यूक्लियस होता है, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियेटेड सेल कही जाती है। इसमें हमारे पास दो तरह की ये होती है, एक लिम्फोसाइट होती है और एक मोनोसाइट होती है। जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट और दूसरी है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट लिम्फ में पाई जाती है, हमारे बॉडी में एक फ्लूड है लिम्फ, तो ये लिम्फ का भी एक पार्ट है, और लिम्फोसाइट काफी मात्रा में होती है क्योंकि लिम्फ नोड में बनती रहती है। 22-25% टोटल डब्ल्यूबीसी की लिम्फोसाइट होती है, और जबकि मोनोसाइट संख्या में बहुत कम होती है, मोनोसाइट की अमाउंट मुश्किल से 1% के आसपास होती है। और ये जो मोनोसाइट है ये दोनों ही हमारे शरीर में, ये भी डिजीज से डिजीज प्रोटेक्शन, ये दोनों सेल हमारे इम्यून सिस्टम की सेल है, इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाने में दोनों तरह की सेल मदद करती हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इसके बाद आती है लास्ट और थर्ड सेल ऑफ द ब्लड जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट सबसे छोटी सेल है, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स ये डेढ़ लाख से लेकर 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। जब कोई चोट लगती है तो क्लोट बनता है, इनसे कुछ केमिकल निकलते हैं जो ब्लड कोगुलेटिंग के जरूरी है। दीज सेल्स आर रिलेटेड विद द ब्लड कोगुलेटिंग, सो दे डिक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर कहीं ब्लड है, ब्लड फ्लो है, कट हुआ या ब्लड लीकेज हुआ या ब्लीडिंग है, तो ये ब्लीडिंग को रोकती हैं, वहाँ पे क्लोट बना देती हैं। क्लोट बनाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल है, जो ब्लड में क्लोट बनता है उस क्लोट के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वो इनसे निकलती है, और जिसमें ये नहीं होती, ठीक नहीं होती, उसको बीमारी हो जाती है, और बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हम बात करें ब्लड ग्रुप, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है ब्लड ग्रुप्स। पहले ये देखा गया कि जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हम कोई भी ब्लड नहीं दे सकते, कुछ लोग केस में ब्लड सेफ होता है, कुछ केस में ब्लड हार्मफुल होता है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने जब देखा ब्लड में, तो उन्होंने पाया कि ब्लड में दो तरह के पदार्थ हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। एंटीजन तो होते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पे, और एंटीबॉडी होती हैं प्लाज्मा में, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में।
वास्तव में दो तरह की ये एंटीजन है, दो ही तरह के एंटीबॉडी हैं, और हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी मिलके डैमेज कर देती है। तो हम ब्लड को इस हिसाब से चार कैटेगरी ब्लड की बनाई गई, ए ब्लड ए ये ग्रुप है, एक बी, एक ए बी और लास्ट ओ, ये चार तरह के ब्लड ग्रुप हैं। ये एंटीजन के बेस पे जो एंटीजन होती है वही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में दोनों हैं, ए बी है और बी भी है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी ए में बी एंटीबॉडी है, बी में ए एंटीबॉडी है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसमें दोनों एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी को स्मॉल से लिखते हैं, एंटीजन को कैपिटल से लिखते हैं, ध्यान रखें। इस तरह से ये हमारे पास चार ब्लड ग्रुप हैं। अब इसमें किससे ब्लड लेंगे, कैन टेक ब्लड उससे लिया जाता है जिसमें अपने से ज्यादा एंटीबॉडी हो या अपने बराबर हो। तो ए किससे ब्लड लेगा, ए लेगा ए से और ओ से, बी किससे लेगा, बी से और ओ से, और ए भी लेगा सभी से, और ओ किससे लेगा, केवल ओ से। और कैन के लिए किस किस को ब्लड दे सकता है, ब्लड उसको दिया जा सकता है जिसमें अपने बराबर या अपने से कम एंटीबॉडी हो। तो बी से कम एंटीबॉडी किसमें है, ए बी में। तो ये ए किसको देगा, ए को और ए बी को, बी किसको देगा, बी को और ए बी को, ए बी किसको देगा, ए बी में ए बी से कम एंटीबॉडी किसी में नहीं है, ये केवल ए बी को देगा, अपने वाले को देगा, और ओ सभी को देगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ओ यूनिवर्सल डोनर है, सभी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, और ए भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। इस तरह से ये ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप में एक चीज और भी आती है, प्लस और माइनस। ये सारे ब्लड ग्रुप प्लस और माइनस हो सकते हैं, इसको हम आर एच के हिसाब से बांटते हैं। आर एच ग्रुप एक रीसस बंदर में एक प्रोटीन पाई गई, एक एंटीबॉडी पाई गई जो बाद में आदमी मिली, जिसको हम कहते हैं आर एच प्रोटीन या आर एच फैक्टर। कुछ आदमियों में भी आर एच फैक्टर पाया गया, जिन आदमियों में आर एच पाया गया उनको प्लस कहते हैं, आर एच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया आर एच नेगेटिव। इसका मतलब ये चारों ग्रुप, अगर इनमें आर एच है तो पॉजिटिव बन गए, नहीं है तो नेगेटिव बन गए, चार के आठ ग्रुप बन गए। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अगर आर एच है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंस ऑफ दिस आर एच फैक्टर द ब्लड ग्रुप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ए ग्रुप है, एक ही ग्रुप कैसे, ये मैंने बता दिया आपको, अगर ए एंटीजन है तो ए ग्रुप होगा, तो उसमें अगर आर एच भी है तो उसको ए पॉजिटिव कहेंगे, ए तो है लेकिन आर एच नहीं है तो नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव। इस तरह आठ ग्रुप हो। यहाँ एक चीज और है, पॉजिटिव कैन गिव ब्लड टू पॉजिटिव ओनली, और नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। इस हिसाब से ये टेबल बदल जाती है ब्लड डोनेट करने में। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हम इसके आठ के आठ ग्रुप की आपको टेबल एक बार बता देते हैं कि कैसे ये ब्लड डोनेशन होता है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, आठ ग्रुप हैं। अब आप इसमें देखें, इसमें ए पॉजिटिव में क्या होगा, ए होगी और आर एच भी होगा, इसमें केवल ए होगा, इसमें बी भी होगी, आर एच भी होगा, इसमें केवल बी होगा, इसमें केवल आर एच होगा, क्योंकि इसमें पहले कोई एंटीजन नहीं होती,
इसमें कुछ नहीं होगा। ए बी प्लस में इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और आर एच भी होगा, और इसमें केवल ए और बी होगा, आर एच नहीं होगा। अब इस हिसाब से हम ब्लड को पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, ये किससे ब्लड लेगा, कैन टेक, किस किस से लेगा, ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस से लेगा और ए माइनस से भी ले लेगा, ओ प्लस से भी ले लेगा, ओ माइनस से भी ले लेगा। ए माइनस किससे लेगा, ए माइनस से और ओ माइनस से। बी प्लस किससे लेगा, बी प्लस से, बी माइनस से, ओ प्लस से, ओ माइनस से। बी माइनस किससे लेगा, बी माइनस से और ओ माइनस से। आर है ओ प्लस किससे लेगा, ओ प्लस से और ओ माइनस से। ओ माइनस किससे लेगा, ओ माइनस से लेगा केवल। ए बी प्लस सभी से ले लेगा, और ए बी माइनस किससे लेगा, ए माइनस, बी माइनस, ओ माइनस और ए बी माइनस। और कैन गिव किस किस को दे सकता है, ए प्लस देगा ए प्लस को और ए बी प्लस को, ए माइनस देगा ए प्लस को भी दे देगा, ए माइनस को भी दे देगा, ओ प्लस और ए बी प्लस को भी दे देगा और ए बी माइनस को भी दे देगा। ये बी प्लस किसको देगा, बी प्लस को देगा और ए बी प्लस को देगा। बी माइनस बी प्लस को देगा, बी माइनस को देगा, ए बी प्लस को भी देगा, ए बी माइनस को भी देगा। ओ प्लस किसको देगा, ओ प्लस को देगा, ए बी प्लस को देगा और ए प्लस को देगा और बी प्लस को देगा। ओ माइनस सभी को दे सकता है, और ए बी प्लस किसको दे सकता है, केवल ए बी प्लस को, और ए बी माइनस किसको दे सकता है, ए बी माइनस को और ए बी प्लस को। ये हमारे ब्लड ग्रुप में कैन टेक और कैन गिव की कंडीशन थी। अब इस हिसाब से अगर प्लस माइनस को देखें तो ए बी प्लस यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ए ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर है। परंतु इस बात को ध्यान रखें, हम ब्लड लेते हुए और देते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हो, सेम ग्रुप का ब्लड दिया जाता है। ये ब्लड ग्रुप इमरजेंसी केस में जब दूसरा ब्लड ना मिले तभी ट्रांसफ्यूजन करते हैं, नहीं तो हम ए को ए ग्रुप का ब्लड देना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरी एंटीजन एंटीबॉडी के अमाउंट उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। पहला प्रयास हमारा यही होता है कि सेम ग्रुप का ब्लड दिया जाए, ये इमरजेंसी में है, क्योंकि ये जो दूसरी प्रोटीन है उनकी संख्या गड़बड़ होने पर, उनकी संख्या में कमी होने से एंटीजन एंटीबॉडी का बैलेंस बिगड़ने पर बॉडी के दूसरे फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। पेशेंट की जान तो बच जाएगी लेकिन उसमें डेवलपमेंट उसका ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सेम ग्रुप का ही ब्लड दिया जाए, दूसरे ग्रुप का ब्लड ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। ये तो इसकी बात थी। अब हम बात करेंगे ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी, ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी। जब ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी आपस में मिल जाती है तो क्या होता है, ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी मिलेगी तो ये ब्लड रप्चर हो जाएगी, ये सेल में टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाएंगे, सेल डेड हो जाएगी और इससे डेथ हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव केस में अगर आर एच नेगेटिव को आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो ये स्थिति भी कई बार खतरनाक होती है, और इसका एक केस नेचुरल है वो प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल में देखा जाता है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी अगर कोई आर एच नेगेटिव अगर ये ग्रुप है, ऐसे केस में अगर आर एच नेगेटिव फीमेल और आर एच पॉजिटिव, ऐसे केस में अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाता है तो इस केस में क्या होता है कि जो मान लो आर एच पॉजिटिव फादर है, आर एच नेगेटिव मदर है, ये केस थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर फादर आर एच नेगेटिव है, मदर आर एच पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
दोनों पॉजिटिव हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर किसी कारण से ये कॉम्बिनेशन हो जाए कि आरएच ग्रुप में प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे केस में अगर बाप आरएच पॉजिटिव है, ये फादर है और ये मदर है, अर्थात आरएच नेगेटिव मदर है जो फोटस ऑफ आरएच पॉजिटिव, मान लो बाप का ग्रुप पॉजिटिव था माँ का नेगेटिव था, तो ऐसे केस में एम्ब्रियो में अगर आरएच पॉजिटिव ग्रुप आ जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है, जब प्लेसेंटा के द्वारा माँ का ब्लड बच्चे में जाता है, आरएच नेगेटिव ब्लड आरएच पॉजिटिव में जाता है, तो क्या होता है ऐसे केस में उसकी जो ब्लड सेल है वो रप्चर हो जाती है और ऐसे केस में बच्चा प्रेगनेंसी पीरियड में मर जाता है। इस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोइटेलिस। बच्चा मर जाता है पैदा होने से पहले, ये बहुत खतरनाक केस है। लेकिन ऐसे केस में नॉर्मली ऐसे पहले बच्चे के टाइम ये ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बन पाती, तो पहला बच्चा ऐसे कपल में हो सकता है, एक के बाद बाकी बच्चे जनरली नहीं होते। इसके बचने के लिए डॉक्टर आजकल एक ट्रीटमेंट करते हैं, पहले इंजेक्शन लगा देते हैं जो बड़े महंगे इंजेक्शन होते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, पैदा होते ही बच्चे को पीलिया रहता है, बच्चा काफ़ी दिनों तक कमज़ोर रहता है और वो बच्चा पीलिए से पीड़ित रहता है लंबे समय तक, लेकिन वो बच्चा सर्वाइव कर जाता है। और जब वो बच्चा टीनेज में जाता है, जब वो बच्चा हार्मोनल एक्टिविटी में जाता है, तब जाकर बच्चा नॉर्मल होता है। ये इसका एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर कई बार कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे कपल के एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता। ये तो बात थी इसकी ब्लड इनकम्पेटेबिलिटी की, जो कि ये प्रेगनेंसी पीरियड में देखा जाता है। इसके बाद होता है ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जब कोई चोट लगती है, तो आपने देखा होगा हमारे शरीर में ब्लड जम जाता है, इस प्रोसेस में रप्चर साइड पे जहां चोट लगी है वहां पे प्लेटलेट से एक प्रोटीन निकलती है, फैक्टर निकलता है, प्लेटलेट से फैक्टर निकलता है, और हमारे ब्लड में एक प्रोथ्रोम्बिन होती है प्रोटीन, वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इस फैक्टर की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदल जाती है, थ्रोम्बिन फिर बाद में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम में बदल जाती है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और फाइब्रिन, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे ब्लड में होती है, ये इसको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम उसको फाइब्रिन में बदल देता है, और ये फाइब्रिन प्रोटीन इंजरी की जगह यहाँ ऐसे फाइबर के रूप में बाहर निकलती है और इसके अंदर ब्लड सेल ट्रैप हो जाती हैं और ये बन जाता है क्लॉट। ये प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जब कोई चोट लगती है तो इसमें ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वैसे रिएक्शन बहुत बड़ी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शन तुम्हारी बुक में दिखाई हुई है, ये ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग में ये सिंपल प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड नहीं निकलता, कैल्शियम आयन की इसमें जरूरत होती है, कुछ प्रोटीन की भी इसमें जरूरत होती है, जिनमें ये प्रोटीन नहीं होती उनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। अब आता है लिम्फ। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है, जब ब्लड बहता है तो ब्लड बहते बहते टिश्यू लेवल पे ये ब्लड थोड़ा सा लीक कर जाता है, यहाँ टिश्यू लेवल जब एक्सचेंज होता है तो इसमें थोड़ा सा ब्लड लीक कर जाता है, और ये एक फ्लूड जो यहाँ लीक करता है इसको टिश्यू फ्लूड भी कहते हैं, दैट इज लिम्फ। लिम्फ वास्तव में ब्लड प्लाज्मा है, लीक हुआ, इसमें प्रोटीन कम होती है, प्लाज्मा विद वेरी लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत कम होती है और ब्लड सेल नहीं होती, और ये फिर वापस जब ये आके फ्लो होता है तो यहाँ से एक लिम्फेटिक वेसल लेके इस टिश्यू फ्लूड को वापस फिर से ब्लड इसमें मिला देते हैं। इस प्रकार हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है और वो लिम्फेटिक सिस्टम कंटिन्यूस इस लिम्फ को ब्लड में डालता रहता है। हर ऑर्गन में ये लिम्फेटिक वेसल होती हैं, ये लिम्फ नोड होते हैं और जो लिम्फ की पूर्ति करते रहते हैं, इस प्रकार से हमारे शरीर में ये चलता रहता है ये फ्लूड, और इसके लिए हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम के एक तो हमें
डिजीज से बचाना है, लिम्फ हमें बीमारी से बचाता है, इसमें लिम्फोसाइट होती है। दूसरा ये फैट का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। तीसरा ये ब्लड के अमाउंट को मेंटेन रखता है। ये लिम्फ के काम है। लिम्फ कुछ नहीं है, विदाउट ब्लड सेल और विदाउट लेस प्रोटीन हमारे ब्लड का प्लाज्मा है, दैट कंटिन्यूअसली फ्लो। और लिम्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है, टिश्यू से हर्ट की ओर, टिश्यू टू हर्ट की ओर ये बहता रहता है। टिश्यू में फ्लूइड लीक होता है और ये फ्लूइड बीच में लिम्फ नोड मिलेंगे, वहाँ से इसमें लिम्फोसाइट मिल जाते हैं कंटिन्यूस। ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद